Be strong. हेलो एवरीबॉडी, आज हम वेजिटेबल मसूर पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चावल को धो के भिगा लिया है और यहाँ पे ले रहे हैं हम 250 ग्राम्स अक्खा मसूर है, जिसको हम एक घंटा पहले धो के भिगा दिए हैं। चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे हमने तेल को गरम रख दिया है। हमने 4 टेबलस्पून तेल लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तेल ले सकते हैं। हम ज़रा तेल कम खाते हैं तो हमने तेल थोड़ा कम लिया है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरा तलने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे प्याज, एक चॉप करी हुई है, बड़ी प्याज हमने लिया था, एक चॉप किया है, उसको डाल के हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चार हरी मिर्ची हमने स्लिट करके डाली है। प्याज देखिए हमारी लाल हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भून रहा है, उस दरमियान हम यहाँ पे डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले की पाउडर की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, एक चम्मच लिया है हमने धनिया पाउडर, 2 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हमने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये सबको हम इसके अंदर डालते हैं और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पे हमने 3 टमाटर बारीक काट के रखा है, उसको भी हमने डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। टमाटर हम मसाला डाल के भून रहे हैं और इसमें हम थोड़ा से डालेंगे पानी, 2 टेबलस्पून जितना, और इसको हम ढक के अब पकाते हैं। यहाँ पे हम 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे और फिर आगे देखते हैं। 2 मिनट हमने ढक के पकाया है। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, इसको हम थोड़ा से चम्मच से मैश करते हैं। और यहाँ पे हम डालते हैं मसूर, जो भीगा हुआ था उसको हम छन्नी में पानी डाल के निथार लिया है और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मसूर और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के हम 5 मिनट पकाएंगे धीमी आंच में। हमने 5 मिनट तक उसको मसूर को मसाले में अच्छी तरह से भुना है। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, और 25% तकरीबन ये गल भी गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, गाजर है, फ्रेंच बीन है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, वटाना है और शिमला मिर्च है। सब सब्ज़ियाँ हम डाल देंगे सिवाय शिमला मिर्च के, शिमला मिर्च हम नहीं डालेंगे, बाकी सब सब्ज़ियाँ हम इसमें डालते हैं। इसमें आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, आलू को भी आप फ्रेंच फ्राइज के तरीके से काट के डालें, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको हम 5 मिनट और भुनेंगे और उसके बाद बताते हैं आगे। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से, वेजिटेबल्स भी हम डाल के भून लिए हैं। अब यहाँ पे ऐड करते हैं पानी। हमने आधा किलो चावल लिया है तो 1 लीटर हम पानी डाल रहे हैं और इसके उबाल आने तक हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पानी जो है बॉईल हो रहा है और अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। और यहाँ पे मसूर जो है 50% कुक हो चुका है, वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी है काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे देखिए इतने अच्छे से वो मसूर टूट जा रहा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चावल जो हमने भिगा के रखा था। पानी हमने इसका निकाल लिया है
और यहाँ पे हम कर रहे हैं चावल को ऐड। यहाँ पे हम करेंगे चावल को अच्छी तरह से मिक्स और बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है और बहुत कम पानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत थोड़ा ही पानी यहाँ पे है। उसी में अब हम करेंगे इसको दम, इसको हम ढक देंगे और गैस को हम करेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्ची और ऐड करेंगे हम धनिए की पत्ती यानी कोथमीर और एक टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे घी और इसको बंद करेंगे लेट को और धीमी आंच में 10 मिनट के लिए दम होने। 10 मिनट हो गए हैं दम होते हुए और यहाँ पे हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढके रहने देंगे ताकि इसका अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। देखिए यहाँ पे हम इसको 15 मिनट ढके रहने दिए थे, अब इसको खोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये दम हो चुका है और यहाँ पे करते हैं हम इसको मिक्स। देखिए कितने अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत छुट्टा चावल बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और शिमला मिर्च भी जो हमने आखिरी में डाली थी वो क्रंची है। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मसूर पुलाव गरम गरम तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बना है और बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिए, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।